मेरी किचन में अब क्या पक रहा है भाई? फ्रूट्स की सब्जी बनेगी, और ये बनेगी सब्जी अमरूद की। भाई फ्रूट स्पेशल है और मेरी फेवरेट रेसिपी है, इसीलिए ये जो है ये दही के साथ अमरूद, और इसमें अमरूद जो हैं आप पके हुए अमरूद ले लें, और उसमें से जो बीज हैं वो जितने निकाल सकते हैं निकाल लें। ऐसा ना हो कि बीज निकालते निकालते आप अमरूद में कुछ छोड़े ही ना, अगर कुछ थोड़े से बीज आ जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है। और अब एक कढ़ाई या पैन ले लें जिसके अंदर तेल डालें। तेल जब तक गर्म होता है तब तक मैं ये जो अमरूद हैं वो काट लेता हूँ। ये तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हींग, हींग के साथ साथ जीरा, जीरे के साथ इसमें सौंफ, ये सारे के सारे अमरूद। इसमें ज़्यादा छोटे पीसेस ना करें इसके। भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि सफ़र में कहीं आप जा रहे हो तो आपके पास अमरूद हो, थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक का मिक्सचर खाने में कितना मज़ा आता है। खैर लाल मिर्च की बात की है तो चलिए लाल मिर्च इसमें डाल देते हैं, लाल मिर्च के बिना मज़ा ही नहीं आएगा इस डिश का। और उसके साथ साथ धनिया पाउडर, उसके साथ साथ हल्दी पाउडर और हरी मिर्च, फिर इसे मिक्स कर लेते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर हम क्या डालेंगे? अब इसके अंदर हम डालेंगे दही, फटी हुई दही इसके अंदर डालें। नहीं तो इसको पानी के साथ में भी बना सकते हैं, ग्रेवी इसमें बन सकती है, लेकिन दही के साथ दही वाले अमरूद। और इसमें डालेंगे नमक, गरम मसाला पाउडर, ये लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बस ग्रेवी अगर ज़्यादा चाहिए तो दही थोड़ी सी और डाल दें, नहीं तो ऐसे ही रखें। मर्जी आपकी, आपने कैसे इसको बनाना है। नहीं बनाना नहीं है, ये गुआवा है, गुआवा करी दही वाली। दही वाले अमरूद के लिए आपको चाहिए आधा कप फेंटी हुई दही, चार अमरूद, दो बड़े चम्मच तेल, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, दो कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। दही वाले अमरूद बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद से बीज निकालकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। अब नॉनस्टिक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें हींग, जीरा, सौंफ और अमरूद डालें। फिर उसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और हरी मिर्च भी मिलाएं। अब उसमें डालें फेंटी हुई दही, नमक और गरम मसाला और 3 से 4 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं, और जब ये पक जाए तो इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें।